टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, वैसे ही सरकार का गठन हुआ और सरकार बनने के बाद लगातार योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल बहुत सक्रिय है। उनके द्वारा लगातार रोडमैप बनाया गया है, 30 दिन का, 60 दिन का, 6 महीने का और 1 साल का, और साथ ही साथ प्रत्येक योजना पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है, विभाग के मंत्री को बुलाया जा रहा है और मंत्री भी लगातार समीक्षा करने के बाद प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कौन सी योजना कहाँ तक पहुँची है, किन योजनाओं में क्या प्रगति है और किस तरह से उन पर काम हो रहा है। और साथ ही साथ अभी हाल में मैं आपको बता दूँ कि 18 मंडलीय समूह बनाया गया है उप मुख्यमंत्रियों को बुला के, और समूह के माध्यम से ये बताया गया है कि अब ये समूह अलग अलग मंडल में जाके भ्रमण करेंगे और मंडल में भ्रमण करने के साथ साथ वहाँ पर समीक्षा करेंगे योजनाओं की और जनता संवाद भी करेंगे। यानी कि जो 2024 की तैयारी है वो पूरी पुख्ता है। और अपने इस कार्यकाल की बात करें तो योगी सरकार पहले के कार्यकाल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, क्योंकि जिस तरह से शपथ ग्रहण किया है और शपथ ग्रहण के बाद पहली बार में ही जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा फैसला लिया था, जो मुख्यमंत्री राशन योजना है उसको बढ़ाया गया था 3 महीने के लिए, और उसके बाद ही उसी शाम को बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ था और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना है उसको 6 महीने यानी सितंबर 2022 के लिए कर दिया। क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि ये जो योजनाएं हैं खाद्यान्न की, ये केवल चुनावी योजना है, चुनाव खत्म होने के बाद दोनों योजनाएं बंद कर दी जाएंगी, पर पहली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को 3 महीने के बढ़ा दिया। और माना जा रहा है जिस तरह से योजना बड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है किस तरह से हम बेहतर रिजल्ट दें, कि जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है। हालांकि जनता ने मौका अन्य पार्टियों को भी दिया है, समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो 111 सीटों के साथ और गठबंधन के साथ 125 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जो उम्मीद थी वो उम्मीद हासिल नहीं हुई, कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिली। कांग्रेस को 2 सीटें, बसपा के तो आपको जग जाहिर पता ही है क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव रहा बहुत निर्धारित रहा। एग्जिट पोल को हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो गलत बता रही थी, पर चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं वो परिणाम में साफ कर दिया है कि जो एग्जिट पोल थे वो सही थे और वैसी ही स्थिति यहाँ हुई है। खैर, चुनाव के बाद सरकार गठन होता है और सरकार काम करना शुरू करती है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की शोभा जो है वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। पर हम लगातार देख रहे हैं चुनाव के बाद जैसे ही दाम बढ़े, डीजल के बाद दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, आज के समय में नींबू अगर हम बात करें तो 240 रुपये किलो बिक रहा है और तमाम सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, पर विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नजारद है। यानी कि अब जो विपक्ष की भूमिका है वो केवल ट्वीट और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी की जा रही है। वो विपक्ष जो कभी जनता का नजर पाता था, वो विपक्ष जो कभी जनता के लिए सड़क पर उतरता था, वो विपक्ष जो कभी जनता के लिए लाठी खाता था, जेल भरता था, अभियान चलते थे, यात्राएं चलती थी और उससे जनाधार बढ़ता था, पर चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष ऐसी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये नींद अगर अभी नहीं खुलेगी तो 2024 के लिए बहुत देर हो जाएगी। 2024 में विपक्ष जो बेहतर रणनीति के साथ बैठा हुआ है तो वो रणनीति धरी की धरी बैठी जाएगी अगर यहाँ पर विपक्ष सक्रिय नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष में चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे रालोद की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सबके एक ही ढील ढाल है और कोई भी यहाँ पर अभी जनता के लिए सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर अभी महंगाई को लेकर अभी हर जनपद में प्रदर्शन किए थे और जो वहाँ के जिलाधिकारी उनको ज्ञापन दिया था, पर ये नाकाफी है, क्योंकि अगर जनता का आप जनाधार मांगते हैं, जनता के लिए आप प्रतिज्ञा करते हैं, 40% महिलाओं को सीटें देते हैं और पेंशन स्कीम अपने 2 राज्यों में लागू कराते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको अब जनता के लिए उतरना चाहिए। पर कांग्रेस चुनाव के बाद बिल्कुल शांत अवस्था में है, कोई यहाँ पर सक्रियता नहीं दिख रही है। बसपा की बात करें तो बसपा में तो तमाम फेरबदल हो रहे हैं, वहाँ पर केवल नेताओं को निकाला जा रहा है और वहाँ पर भी बसपा सुप्रीमो केवल ट्वीट के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो चुनाव के बाद संजय सिंह भी लगातार चर्चा में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का उतना गम नहीं उनको जितना उनको पंजाब में 92 सीटें आने का खुशी है, और उसी खुशी के तहत वो उत्तर प्रदेश की जनता को भूल चुके हैं और अब जनता के लिए कोई भी यहाँ पर संघर्ष करता नजर नहीं आ रहा है। तो बीजेपी अपनी अलग सक्रियता के साथ में है और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह एक्शन मोड में है। तो ये हमारी चर्चा का विषय है
और चर्चा का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं रहेगा तो किस तरह से जो तमाम वादे किए जाते हैं उन पर सत्ता पक्ष की नकेल कौन कसेगा। तो आज की चर्चा का विषय हमारा है विपक्ष की सक्रियता इस समय बिल्कुल नाकाफी है, सक्रिय नहीं है, और सरकार दुगनी रफ्तार से सक्रियता दिखा रही है और काम कर रही है। चर्चा जुड़ने के हमारे बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी से प्रतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ हैं, रालोट से आर एफ महमूद जी हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे और राजस्थान समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा समाजवादी पार्टी के नेता राजस्थान से रहेगा, राजी जी क्या मानते हैं जिस तरह से चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जो विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए, जनता ने आपको सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठाया पर कहीं ना कहीं जनता ने आपको 125 सीटें यानी गठबंधन को दी है तो आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका में पहुंचाया है, पर अब भूमिका आपकी पार्टी निभाती नजर नहीं आ रही है। दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ना यहाँ पर सिलेंडर उछाला जा रहा है, यानी मुझे मानना है कि जो सक्रियता थी वो चुनाव तक थी और अब सक्रियता गायब हो चुकी है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं गौरव जी। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हाल ही में गुजरा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता ने हम लोगों को विपक्ष के रूप में अपना जनप्रतिनिधि चुना। इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुझे ऐसे धोखेबाज लोगों के खिलाफ एक विपक्ष के रूप में चुनने का मौका दिया और इतना बहुत बड़ा मजबूत और बहुत ही सशक्त और बहुत ही ताकतवर विपक्ष आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है। और समाजवादी पार्टी लगातार जब से चुनाव बीता है तब से आज तक समाजवादी पार्टी हर एक मुद्दे पर, चाहे वो ट्रिपल मर्डर हो, प्रयागराज में, सुन लीजिए पहले हमारी बात सुन लें फिर हम आपकी पूरी बात बोले बोले, चाहे वो प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर केस हो, चाहे वो प्रतापगढ़ में मर्डर केस हो, हर तरह से समाजवादी पार्टी ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया हुआ है जो कि हर प्रतिनिधि मंडल जिस जिस जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही और जालिम सरकार के अत्याचार हो रहे हैं और वहां पर जाता है, हमारी सारे पार्टी के लीडर्स हमारे वरिष्ठ नेतागण जाते हैं वहां पर, उसका कड़ा विरोध करते हैं और सरकार की निंदा करते हैं और वहां पर जाकर अपील करते हैं कि जनता को न्याय मिलना चाहिए। पर न्याय कैसे मिलेगा, सरकार तो काम ही नहीं करना चाहती। पिछली बार जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था 2 लाख रोजगार हर साल दूंगा, 5 साल बीत गए, कहां है वो दो लाख रोजगार, कहां है बताइए। आज नौजवान पर, सड़कों पर, राजीव हसन यहाँ पर बात रोजगार की नहीं हो रही नहीं, है इसी से जुड़ी है बात, यहाँ पर ये है, से बढ़ता है। बात यहाँ पर ये है कि सक्रियता कहाँ है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, नींबू 240 रुपए किलो बिक रहा है, आपकी सरकार लगातार आप बोल रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पर ये बताइए कि विपक्ष कहाँ है, सक्रिय कहाँ है? विपक्ष पूरा उत्तर प्रदेश में घूम रहा है और जनता की आवाज सुन रहा, धरातल पर कब उतरेंगे, धरातल पर कब उतरेंगे सुन रहा। बहुत जल्द हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने काम किया 2012 से लेकर 2017 तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक विकास की नई गति दी जो कि आज तक के पूरे पुरानी बात है करंट की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। और उसके साथ में हमने पिछला विपक्ष भी देखा, पिछली बार जब हम 2009 में हम लोग 2012 में हम लोग सरकार में आए थे तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हम लोग ने जोरदार आंदोलन किया था और उनको उखाड़ के फेंकने का काम किया था। इस बार भी समाजवादी पार्टी पूरा अपना गेम तैयार कर चुकी है, सड़कों पर उतर कर इस भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को और जनता को निजात दिलाने का काम करेगी और स्वतंत्र करेगी। भाई कब करेगी, बहुत जल्द कब करेगी? लू से डर लग रहा है क्या, लू चल रही इसलिए डर लग रहा है क्या? समाजवादियों को आंधियों से, गोलियों से, पानी के बौछारों से कभी डर नहीं लगता। समाजवादी पार्टी गोली छाती पे खाने का काम करते हैं और जनता के लिए लड़ने का काम करते हैं और सदैव लड़ते रहेंगे जब तक जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। समाजवादी पार्टी का काम है इनकलाब का नारे से काम नहीं चलेगा, राजीव भाई नारों से काम नहीं चलेगा, और जनता के हित के लिए नारों से काम नहीं चलेगा, अब जनता के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। हमारे साथ प्रतपाल सिंह जी, हमारी पार्टी से। प्रतपाल जी,
संजय सिंह जी लगातार सत्ता पक्ष को घेरते रहे, पिछले कार्यकाल में भी नाक बदम कर दिया था, तमाम तरह के खुलासे करते रहते, तमाम तरह की योजनाएं निकाली थी और तमाम तरह से सरकार को घेरते रहते थे और कई मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज हुए और बहुत चर्चा में रहे। पर अब जब सरकार का दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ है, योगी सरकार का, अब इस कार्यकाल में महंगाई जोरों पर है, लगातार चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी की सक्रियता नजर नहीं आ रही। क्या मानते हैं सक्रियता केवल चुनाव तक सीमित थी? नहीं नितिन जी, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद संजय सिंह जी लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं पिछली बार भी, और क्योंकि इस समय हम लोग संगठन निर्माण के ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा जो नेतृत्व है वो लगा हुआ है। हम लोग को भी ज्ञात है कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर है। अभी हम लोग थोड़ा इनको समय दे रहे थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हनीमून पीरियड इनका चल रहा था, मगर इन्हीं दिनों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो संसदीय क्षेत्र कह सकते हैं, गृह क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पे तर्पण मर्डर हो जाता है। प्रयागराज में जहाँ पे लोग मोक्ष प्रदान प्राप्त करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, वहां पे 5 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इस समय हत्याओं के बहुत मामले बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार कर रही है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार की नकेल कैसे कसी जाए, जनता की आवाज कैसे बनी जाए। हम चुप कर घर पर बैठने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। चुनाव से पहले बहुत सक्रिय थे, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और जनता के बीच जनता की आवाज लेकर। पाल जी, संगठन आपका दोबारा संगठन में परिवर्तन हो गया है, जानकारी लिस्ट भी आ चुकी है। नहीं, अभी नहीं हुआ सर, सरकार का अभी परिवर्तन चल रहा है। हम अपने आप को संजो रहे हैं, अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, जैसे हम जल्द ही आपको सड़क पर एक महीना सरकार का हो गया है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं, ये यही समय है जनता के लिए सड़कों पर उतरने का। उसके लिए आम आदमी पार्टी जो कि चुनाव के समय बहुत सक्रिय थी और लगातार योगी सरकार को पहले कार्यकाल में घेर रही थी, संजय सिंह लगातार तमाम तरह के जो घोटाले उनको जगर कर रहे थे, उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, ये भी आपको जानकारी है। पर इससे दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, इस दूसरे कार्यकाल में अब तक आम आदमी पार्टी की सक्रियता नजर नहीं आ रही है। क्या मानते हैं कि पंजाब की जीत की खुमारी है अभी तक, या अभी कोई रणनीति बना रहे हैं? पर अगर वो रणनीति बनाएंगे तो 2024 का चुनाव निकल जाएगा, यहाँ पर आपकी रणनीति आपको जल्दी बनानी पड़ेगी। पितपाल जी, क्या मानते हैं? जनता आपकी तरफ देख रही है। आपको जल्द दिखेगा, अभी एमएसपी के ऊपर किसानों का जो खरीदारी है वो भी सरकार अभी शुरुआत नहीं कर पाई, उस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। जो हत्याएं हो रही हैं उन पे भी हम लोग आंदोलन करेंगे। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपको जल्द ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पे दिखेंगे और इस जुर्मी सरकार की लाठियों को बर्दाश्त करेंगे अपने ऊपर। जेल भरो आंदोलन हम चलाएंगे। जल्द ही आपको आम आदमी पार्टी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सक्रियता के साथ दिखेगी। हम संसद में जनता की आवाज उठाते हैं, हम सड़कों पे। प्रपाल जी, आपको नहीं लगता कि इस समय भी जो राजनीति हो रही है विपक्ष की, वो केवल ट्वीट के माध्यम से हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है? सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दीजिए, आपको खाना पूर्ति हो गई, और ये सभी पार्टियां कर रही है। बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्य विपक्ष के रूप में भले भारतीय जनता इस समय सपा है, मगर हम जल्द ही शायद प्रपाल जी की आवाज चली गई है, नेटवर्क इशू है। तो हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए। विवेक जी, क्या मानते हैं योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल बहुत सक्रिय है और लगातार एक रोडमैप की तरह काम कर रहे हैं, 18 मंडली समूह भी बनाया है मंत्रियों का और कहा है वो मंडली समीक्षा करेंगे और प्रत्येक जिले में रुकेंगे और वहाँ पर संवाद करेंगे, साथ ही साथ वहाँ पर जो योजनाएं चल रही उनकी समीक्षा भी करेंगे। पर जिस तरह से विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए वो इस बार बिल्कुल खामोश है। चुनाव के बाद एक महीना से ज़्यादा का समय हो चुका है, पर अब तक विपक्ष की सक्रियता कहीं नजर नहीं आई है। विपक्ष हालांकि मजबूत है इस बार, विपक्ष में कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि 125 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिली, पर अब तक क्या विचार कर रहे हैं, अब तक धरातल पर कब उतरेंगे? सरकार तो ऐसे लोग अपने हिसाब से काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों अपना अपना काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पहले दिन से ही पूरी स्पीड के साथ चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के बाद एक भी दिन विश्राम के मोड में नहीं है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग भी कार्यकर्ताओं का चल रहा है। तो हम ऐसे दल हैं और ऐसे दल के लोग हैं कि जो ना विश्राम लेते ना जहाँ विश्राम पे चर्चा होती है। अभी प्रीतपाल जी ने हनीमून शब्द का प्रयोग किया, मेरी आपत्ति है।
भारतीय जनता पार्टी कभी हनीमून मोड में नहीं रहती, यहाँ काम करने की बात होती है, विश्राम की बात यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी ना खुद विश्राम लेते हैं ना किसी को करने देते हैं, और यही परंपरा हमारी पूरी पार्टी की है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष अभी तक हार के सदमे को समझ बर्दाश्त नहीं कर पाया है, और उस सदमे से उबर पाता इससे पहले उनको फिर सदमे पर सदमा लगना शुरू हो गया है। भतीजे को चचा का सदमा लग गया है, एक चचा जो रामपुर में के से जीते हैं, जो सीतापुर में बंद हैं, उनका कभी आने का कभी जाने का कभी इनके संदेशवाहकों से ना मिलने की खबरें मीडिया पे छाई रहती हैं। तो अभी तो अखिलेश जी अपने परिवार के विघटन का सदमा बर्दाश्त करें, पहले हार का सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद विघटन का सदमा उनके दरवाजे दस्तक दे रहा है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी तो समाप्त हो चुकी है, जो एक विधायक है उनको भी उस पार्टी को ना मान के चलिए, उसमें उनकी कुछ इस तरह की स्थिति नहीं है। तो विपक्ष तो नदारत है, और जिस मोड़ में विपक्ष चल रहा है, ये चूंकि इन लोगों की यही कार्य संस्कृति है, जब जीतते हैं तो ये लोग लंदन चले जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, हार जाएंगे तो सदमे में घर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होती, हम हार और जीत में दोनों में सम भाव रखते हैं और दोनों में सम तरीके से कार्य करते हैं। अगर हम जीतते तो भी काम कर रहे हैं, हारते तो भी हम काम करने में जुट जाते थे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में जब रहे, दो दो की संख्या में रहे, तो दो से यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, तो यहाँ भी हम जनता को गुड गवर्नेंस देने के लिए संकल्पित हैं, और अपने जो संकल्प पत्र था उस पर अपने एजेंडे पे काम करने के लिए संकल्पित हैं। पहले दिन से हम जो संकल्प हमारे थे उस पर काम कर रहे हैं। हमने 18 सदस्यीय मंत्रिमंडल का समूह बनाया, वो मंडलों में जा कर के योजनाओं की समीक्षा करेगा, चौपाल लगाएंगे, जनता से बात करेंगे, अधिकारी जनता के बीच रहेंगे, मंत्री जनता के बीच रहेंगे, फीडबैक लेके आएंगे। महीने भर का उनको 100 दिन का टारगेट दिया गया, 6 महीने का टारगेट दिया गया, साल भर का उनको लक्ष्य आधारित कार्य करने की संस्कृति डेवलप की गई, और उन लक्ष्यों पे मंत्री जी को ही ब्रीफ करना है मुख्यमंत्री जी को, तो सारे कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारियाँ तय हो रही हैं। तो ऐसे में जो कार्य संस्कृति योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रही है, उस कार्य संस्कृति का परिणाम दिखेगा। और हमारे पिछले जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल का परिणाम ये था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें प्रचंड मैंडेट दिया, जवाब लेते हैं, और हमें दोबारा सत्ता सौंपी, और जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हम जनता को उससे अच्छा दे और डिलीवरी दे रहे हैं। हमारे साथ आरिफ महमूद जी लारोड से जुड़े हुए। आरिफ जी, आपने बात सुनी, क्या उन्होंने कहा है कि विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जब विपक्ष चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद सदमे में चला जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, चाहे वो जीते और चाहे हारे, पर विपक्ष यहाँ पर जिस तरह से चुनाव परिणाम आते हैं उसके बाद उसका निष्क्रिय हो जाता है और जनता के बीच जाना बंद कर देता है, क्या मानते हैं आरिफ जी? आवाज नहीं आ रही है। इशू आपने आज रखा जी, पक्ष और विपक्ष जी, विपक्ष सड़क से एकदम गायब है, विपक्ष गायब नहीं है जी, आपका ये चैनल कमजोर है, आपके जो एंकर वो क्या कहते हैं जो रिपोर्टर है वो कमजोर है। राष्ट्रीय लोक दल ने अभी एक हफ्ते पहले महंगाई को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दिया जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, और डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया, आपने अपने किसी फुटेज में नहीं दिखाया। केवल सत्ता पक्ष के दरबार जी, केवल केवल धरने से काम नहीं चलेगा, सड़कों पर कब उतरेंगे, यात्राएं कब निकलेगी, यात्राएं कब निकलेगी आरिफ जी? जी गौरव जी, अगर आपने डिबेट बुलाई है तो डिबेट की गरिमा आपको भी रखनी चाहिए जी, बताइए, आप सुनिए, बोलिए बोलिए, किस चीज से सत्ता, किस चीज से विपक्ष चलेगा आप बताइए जी। हम तो सरकार के मुद्दों को उजागर करते रहेंगे ना, अब क्या करें, क्या विपक्ष पूरा लौटो बच्चों को लेकर के सड़क पर आ जाएगा क्या? अरे जो राजनीतिक तरीका है उस तरीके से हम इनका विरोध कर रहे हैं, हमने पहले भी आवाज उठाया भारतीय जनता लगातार चुनाव के पहले जी, बोले बोले बोले, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी ये कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, नई सरकार बनी है, 5 साल की सरकार बनी है, पिछली बार तो ये अपने सारे मुद्दों पर फेल रहेंगे, अपने सारे मैनिफेस्टो पर ये फेल रहे। मैं इस साल की बात बता रहा हूँ, जो अभी नई सरकार इनकी बनी हुई है, अभी 100 दिन का उसी जो 5 साल के कार्यकाल पे जनता ने मोहर लगा करके दोबारा मैंडेट दिया है। आप जनमत का अपमान करने वाली भाषा मत बोलिए।
देखिए अब आप जनमत की बात न करिए, आपका दिल जानना होगा कि जनमत आपने किस तरह से पाया है। हम पिछले उसमें नहीं जाना चाहते, आपके जनमत में ठीक है, आप जनमत में आ रहे हैं, आप इस तरह नकार नहीं सकते। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती को आप इस तरह से नकार नहीं सकते। जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया उसका सम्मान करिए। मीडिया पे प्रश्न चिन्ह उठाना बंद करिए। सीधे सीधे बताइए कि आपके पास संख्या बल नहीं, आप सड़कों पर उतरने की स्थिति में नहीं है। देखिए आप बोल रहे थे, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। चले बोल लीजिए। और अगर आप बोलेंगे तो हम दोबारा आपको भी नहीं बोलेंगे। बोलिए। अरे भाई बोलिए, सुन रहा हूं। भाई आप बताइए, विपक्ष कहां सड़क पर उतर आवे। थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद चलो ठीक है, आप लाठीचार्ज कर दो, हम खाने को तैयार है। आप देशद्रोह का मुकदमा, बिल्कुल आप दुश्मनों की तरीके से तो विपक्ष के लिए आप व्यवहार करते हैं। और आप गौरव जी, आप जरा सा विपक्ष से अगर आप पूछ रहे हैं कि आप सक्रिय हैं या नहीं है, तो इनसे ये भी पूछ लीजिए कि विपक्ष आवाज उठा रहा है, महंगाई आपने इतनी क्यों बढ़ा दिया, महंगाई आप क्यों कम करेंगे। जरा विपक्ष से भी तो आपका तीखा सवाल होना चाहिए, जैसे जो वो पक्ष से होना चाहिए, सत्ता पक्ष से। जैसे आप विपक्ष से पूछते हैं आप तीखा सवाल, वैसे आप सत्ता पक्ष से पूछ लीजिए गैस का सिलेंडर का दाम कब करेंगे। वो तो महंगाई मुद्दे पर पूछूंगा, पूछता हूँ। अरे भाई महंगाई मुद्दे पूछता हूँ, पर यहाँ पर सरकार की योजनाओं का विरोध, सरकार की समस्याओं का विरोध, जो जनता परेशान है उसका विरोध के लिए जनता आपको समर्थन दी है। 125 सीटें दी है आपको भाई, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। लड़ाई आपको करनी है, हम तो मीडिया के माध्यम से चीजें दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके रिपोर्टर देखते नहीं है सर। हम लोग देखते हैं, राजधानी लखनऊ में भी देखते हैं, 75 जिलों में रिपोर्टर है। अरे भाई संघर्ष नजर नहीं आ रहा है। जी बताइए, आपके रिपोर्टर ने राष्ट्रीय लोकदल की महंगाई के मुद्दे पर अगर रिपोर्टिंग की हो तो आप एक फुटेज दिखा दीजिए अपने इस डिबेट में। भाई आप हमको ये बताइए, हम तो रिपोर्टिंग किए हैं, पर संघर्ष कहाँ है? संघर्ष कहाँ है? संघर्ष तो नजर ही नहीं आ रहा ना। जब आप रिपोर्टर आप जाएंगे, आप भेजोगे तब ना, खाली डिबेट आप करोगे। अगर 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 आप अगर आप केवल केवल आप पीछे जनता के लिए लाठी खाइए तब तो हम दिखाएंगे। केवल धरना देने के ज्ञापन देने थोड़ी ना होता है। कांग्रेस पार्टी भी अरे भाई कांग्रेस पार्टी ने भी जनपदों स्तर पर ज्ञापन दिया था और उसकी जानकारी हुई थी, पर उन्होंने भी लाठी नहीं खाई। सड़क पर कोई उतरना नहीं चाहता है। जनपद स्तरीय प्रदर्शन उन्होंने भी किया था, तो प्रदर्शन उस लेवल का करिए ना कि मीडिया भी आपके लिए दिखाने आए। हम तो दिखाने बैठे ही है। गौरव भाई बहुत बोलना अच्छा नहीं है, मैं मेरी बात भी सुन लीजिए। सुनाइए डीएम को गए ज्ञापन देने, गए आप डीएम से कह दे रहे ज्ञापन देने आ रहे हैं रालोद के लोग, आप इनको लाठी मार दीजिए तो आप एंकर काम करता। हम क्यों कहेंगे प्रदर्शन जोरदार होना चाहिए। जब डीएम हमसे ज्ञापन लेने को तैयार हो रहा है और हम उसको दे रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो आपको ये संघर्ष नहीं दिख रहा है? तो ये बताइए चुनाव के समय क्यों सिलेंडर छाले जाते हैं? चुनाव के समय क्यों विधानसभा के बाहर सिलेंडर लेके जो है काले झंडे दिखाई जाते हैं? उस समय प्रदर्शन क्यों होता है? वो प्रदर्शन आज क्यों नहीं हो रहा है? अरे बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछ लीजिए, स्मृति ईरानी कहाँ चली गई थी जब कांग्रेस के पीरियड में थोड़ा सा उछाल आया। वो उनसे जवाब ले लेंगे। अरे भाई उनसे जवाब ले लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ चले गए? स्मृति ईरानी को क्यों नहीं सड़क पर निकाल देते? पूछिए आप उनसे, पूछिए ना। अभी तो सरकार में बीजेपी है। सवाल पूछने की हिम्मत रखिए जी। उनसे भी सवाल पूछता हूँ उनपे। अरे भाई उनसे सवाल पूछता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ। मजबूरी ये है कि आज का मुद्दा हमारा विपक्ष निष्क्रिय है। आपको लाठी चाहिए खाने के लिए? लाठी नहीं चाहिए, हमको प्रदर्शन चाहिए। जनता ने आपको जनाधार दिया है, 125 सीटें दी है, आपके साथ न्याय किया है। 125 सीट गठबंधन ने दिया है जी, और आपके कहने पर आपके टीवी चैनलों के विरोध के बावजूद जनता ने हमको समर्थन दिया है 125 सीट। हम तो आपको भी कवरेज दिए है भाई, हम तो आपको भी कवरेज दिए है, सपा को भी कवरेज दिए है, रावण को भी कवरेज दिए है, सबको दिए है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मीडिया पे क्यों ठीक फोड़ रहे हैं भाई? आप अगर निष्क्रिय है तो मीडिया पे ठीक क्यों फोड़ रहे हैं भाई? चले ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर हम सड़कों पर हैं और आप नहीं देख रहे हैं आप हमको, इसलिए मैं चले ठीक है, हमको दिखाइएगा, अगली बार देखूंगा, हमको जरूर फुटेज भेजिएगा कहाँ पर सड़कों पर रहे हैं। बिल्कुल दिखाऊंगा। चले ठीक है, बिल्कुल दिखाऊंगा। इस बार देखता हूँ कौन सड़कों पे आता है, मैं वो भी देखूंगा और विशेष और उसको फुटेज में शामिल भी करूंगा। खैर हमारे साथ प्रितपाल जी हमारी पार्टी जुड़े हुए हैं। प्रितपाल जी आरिफ जी को सुना आपने, इनका कहना है कि हम लोग लाठी खा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मीडिया नहीं दिखा रही है। भाई मीडिया तो आपको भी दिखाई है और मीडिया आम आदमी पार्टी को भी दिखाई है, पर आम आदमी पर यहाँ पर विपक्ष को ये बात स्वीकार करनी होगी कि जब से सरकार बनी है, गठन हुआ है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, पर जो आंदोलन, जो संघर्ष,
जो प्रतिक्रिया विपक्ष की पहले नजर आती थी वो कहीं ना कहीं इस समय नहीं है, और ये बात आप स्वीकार कर चुके हैं, पर हमारे रालोद के प्रवक्ता आर भाई स्वीकार करने तैयार नहीं। उनका कहना है भी हम तो मेहनत कर रहे हैं, सरकार ने 100 दिन का टाइम लिया है तो हम नहीं देंगे उनको। अच्छा टाइम दे रहा है गौरव जी, चलो टाइम दे रहा है, सरकार ने 100 दिन का टाइम दिया है तो मुझको देना भी चाहिए। चलो ठीक है आप टाइम दे रहे हैं, चलो ठीक है आप स्वीकार करते हैं ना टाइम दे रहे हैं, अरे भाई स्वीकार करते ना टाइम दे रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल टाइम देना चाहिए, ठीक है आप तो अरे भाई स्वीकार कर रहे हैं टाइम दे रहे हैं। पिटपाल जी आप भी टाइम देंगे क्या 100 दिन का? आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारियां लोगों तक आपके व्यूवर्स तक पहुंच रही है, आपका आज जो शीर्षक है जी कि विपक्ष जो पस्त है और जो सत्ता पक्ष है वो डबल स्पीड से चल रहा है जी, तो डबल स्पीड से चलने की क्या स्थिति, आप इसने पैमाना किस तरह से मानते हैं? जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं बढ़ रही है तो जो पक्ष है यानी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। आपको पता होगा ब्रजेश पाठक जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री है जी, वो खुद एक अस्पताल में जाते हैं, वहां पे जाने के बाद कहते हैं कि जो व्यवस्था है जी, जो अव्यवस्था है उससे मैं त्रस्त हूँ जी, मैं शर्मिंदा हूँ जी, ये जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को कहना पड़ रहा है जी। पिछले 5 साल तक जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक जो काम नहीं किए, अब जो स्पीड ये जगह जगह जाकर लोगों को दिखाने का काम किया जा रहा है कि हम काम करने जा रहे हैं, हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, मगर स्पीड बढ़ाने का काम सिर्फ यहीं तक सीमित रखेंगे, कहां महंगाई की स्थिति कहां पहुंच रही है, विपक्ष अपनी आवाज बनेगा, विपक्ष तो जनता की आवाज उसको बनना भी चाहिए। अगर हम घर पे बैठे हुए हैं तो मीडिया जो होता है वो आईना होती है, मीडिया वही मीडिया है जो 28 दिन तक अभी जेल के अंदर बंद थी, 28 दिन बाद जेल से छूटी है, जो सरकार को सत्ता पक्ष को दिखा रही थी कि जो जहाँ पे पेपर हो रहा है वहाँ पे हो रही है, वो बिचारी चली जा रही है जेल में। मैं मीडिया पे पूरी तरह से उंगली नहीं उठाऊंगा आम आदमी पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आपको सक्रिय जमीन पे दिखेगी, और मीडिया बंधु जो है आप अच्छे चैनल है, आप जनता की बात उठाते हैं, आपकी तरह सभी चैनल ये समझ ले चाहे जेल जाना पड़े चाहे फांसी पे लटकना पड़े, जो एक स्तंभ है चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपना काम कर रही है, उसकी हम उंगली उठाना हमारा सही नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी आपको अगले कुछ दिनों के अंदर ही जमीन पे उतर के जनता की जो आवाज है जो सत्ता पक्ष ने अपने घोषणा पत्र में बात रखी है, अगर उसको नहीं उतारती है, महंगाई पे काबू नहीं करती है, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरियां सड़कें जो बातें जो वादे करके योगी आदित्यनाथ जी सत्ता पे दोबारा काबिज हुए। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काम किया तभी तो रिपीट हुए साहब। एक होता है ना जैसे दुकान पे नौकर अगर काम करता है वो तनख्वाह देते समय मालिक कहता है बेटा इस बार तुम्हारी जो 4-5 गलतियां तो उसको मैं माफ कर दे रहा हूँ, आगे से ध्यान देना, आगे से तुम फिर गलती करोगे तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। जनता ने आपको हेडमास्टर वाली भूमिका से डांटा भी है, आपके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया भी है, आपके 13 से 14 मंत्री हारे भी है लगभग, और आपके तकरीबन 55 से 56 विधायक भी आ रहे हैं साहब। श्रीवास्तव जी इस बात को भी माने, पंजाब में आपकी अगर हमारे यहाँ जमानत जब्त हुई है तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की भी जमानत जब्त हुई है। कहीं इस तरह से घमंड और अहंकार से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं, जो मैनिफेस्टो जनता को बता के आए थे उसको उतारे, गौरव जी इनको बताइए। चलिए जवाब लेते हैं विवेक जी, विवेक जी बताइए। प्रिंसिपाल जी पंजाब का उल्लेख आपने किया जी, पंजाब में कभी भी सत्ता का खड़ा नहीं रहे, हमेशा हम अकाली दल के साथ गठबंधन में रहे, साइड पार्टनर रहे, तमाम सीटें रही ऐसी जिस पे हम कभी वहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारते थे। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पंजाब में प्रत्याशी उतारा है, तो पंजाब की तुलना आप जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं वो उचित नहीं है। हाँ उत्तर प्रदेश में हमने काम किया पिछले 5 साल, ठीक है, जनता जनार्दन होती, जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया है, उनका आशीर्वाद शर्माते हैं, पूरी जिम्मेदारी से अपने संकल्प पत्र पे काम कर रहे हैं। विषय चर्चा का गौरव जी ने यही रखा था कि सरकार अपनी स्पीड में चल रही है, विपक्ष निष्क्रिय है। दिल्ली में सबसे ज्यादा सत्ता भारतीय जनता पार्टी की रही है, दिल्ली में भी जनता ने आपको नकारा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा किसी ने राज किया तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी भी एमसीडी में सरकार आपकी, आपके 3 मेयर वहां पे है, 7 सांसद आपके दिल्ली में आपके है,
नहीं तो दिल्ली आप इसको मत भूलिएगा, वहाँ पे भी जनता ने आपको नकारा था। दिल्ली में हमारे सांसद हैं, दिल्ली में एमसीडी में हमारे मेयर, हम कहाँ उससे इनकार कर रहे हैं। आपने जो पंजाब का उल्लेख किया था, हमने पंजाब पे आपको जवाब दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है दिल्ली में, और जो आपने जो पंजाब का उल्लेख किया था, मैंने उस पंजाब के विषय पर आपको जवाब दिया। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सत्ता रही है सर, उत्तर प्रदेश 10 साल लगातार आप सत्ता में रहे वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में तो हम कह ही रहे हैं कि जनता ने हमको जनता जनार्दन होती लोकतंत्र को जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, इस मैंडेट का सबको सम्मान करना चाहिए। आप भी करिए, रजी हसन जी भी करे, आरिफ महमूद जी को भी करना चाहिए, और सरकार अपना काम कर रही है, अपने संकल्प पत्र पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी को मैंने मुबारकबाद दिया। भाई जवाब लेते हैं, राजीव भाई बोले बोले बोले। हमने शांति से सबको बहुत आराम से धैर्य रख के सुना जी, और आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी हमारी बात सुने जी, और सभी वक्ताओं से निवेदन जी। अभी भाई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हमको जनादेश दिया और सरकार में दोबारा से मौका दिया, और पहले भी आप विपक्ष में रहे, पहले 17 में सरकार बनाई, इस बार 22 में सरकार बनाई। 17 में किसी सरकार बनाई, जनता से वादे किए, 2 लाख नौकरियों की, महिला सुरक्षा की, शिक्षा की, व्यवस्थाओं की और महंगाई की। 2017 से लेकर 2022 तक एक भी नौजवान को कोई नौकरी नहीं मिली। झूठ है, एक नौकरी झूठ है। जवाब लेते भी नौकरी, जवाब भी लेते चलिए ना। जो आप बैठ करके यहाँ झूठा आरोप लगाएंगे तो मैं मौन धारण करके सुनूंगा तो नहीं ना। आप कह रहे 17 से 22 तक एक भी नौकरी नहीं मिली, झूठ बोल रहे हैं आप। चैनल बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, इसका प्रतिवाद तो गौरव जी को करना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी जी का कोई इस्तीफा, सबसे पहले अजय एंटी रोमियो स्क्वाड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया, उसका फीडबैक यह है कि महिलाओं ने हमें जन्म दिया, महिलाओं ने एंटी रोमियो स्क्वाड पे हमें फीडबैक दिया कि उसको फिर से लागू करिए, हमने फिर से लागू किया, संस्कार कर दिया, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। भाई हमारा डर था आपको, काशी में चले जाइए, काशी में 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। आप हिंदू धर्म के जब रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानते तो उस पर टिप्पणी करिए। काशी में 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है, जान लीजिए जाकर के, नहीं जानते तो मेट्रो ट्रेन बढ़ाई हो तो बता दीजिए। कानपुर में मेट्रो बन गई, अन्य शहरों में मेट्रो बनी, कहाँ नहीं बनी मेट्रो? प्रोजेक्ट बढ़ाया हो तो उसको बता, आप जवाब लेते चलिए, जवाब दे रहा हूँ। हम अपने मेडिकल कॉलेज हमने खोले, अरे आप लीजिए जवाब। आपने सिर्फ फीते काटे भाई साहब, समाजवादी पार्टी के किए गए कार्यों को जो अधूरे पड़े थे, जो थोड़े से रह गए थे उनको पूरा करके आपने आपने बारी बारी से बोलिए भाई, आपने ना शिलान्यास किया। विवेक भाई बारी इनको बोलने दीजिए, उसके आप जवाब दीजिएगा इनको, बिल्कुल मौका मिलेगा आपको भी। मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आपकी सारी बात मैं सुनूंगा। चलिए बोलिए, और जो बात अच्छी लगी बोलिए, कम शब्दों में बोलिए, बोलिए बोलिए। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी बनाई है, मंत्रिमंडल बनाया, जो कि जनता दर्शन के लिए और प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और जनहित की समस्याओं में। अभी जो प्रयागराज में हत्या हुई, वहां आपका मंत्रिमंडल कहां था? वहां आपके कार्यकर्ता कहां थे? अभी एक हॉस्पिटल में एक बच्चा अपनी माता जी की बॉडी को लेकर के स्ट्रेचर तलाश रहा था, तब आपका स्वास्थ्य मंत्री कहां था? आप ये बताइए। और उसके बाद रास्ते से ई रिक्शा से एक दंपत्ति की चैन छीन ली जाती है, उसके चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार के पास आप कहां गए? आप बताइए। समाजवादी पार्टी प्रयागराज भी जा रही है, और जो सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, आप बताइए। बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद इस सरकार में नौकरियां एक आध अगर भूले बिसरे मिल गई किसी बहन को, किसी भाई को, और उसकी भी हत्या हो गई, आप उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं। आपका सत्ता पक्ष में रहना सिर्फ जनता को एक छलावा है, और पूरी तरह से आपने जनता को छल कर सत्ता हासिल की है, और ये और जनता ने भी हम लोगों के एक विपक्ष को इतना मजबूत करके आपके बीच में भेजा है कि आपकी कोई भी धांधली और आपकी कोई भी जनता को छलने वाली चाल हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और लाठियां भी खाएंगे और आपकी हर बात का जवाब देंगे। आपने अभी दूसरी बात कही कि जनता दर्शन, जनता दर्शन में अभी कुछ दिन पहले आपने जनता दर्शन शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 2017 तक जनता दर्शन लगाया,
यही पांच कालिदास समाज में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सभी जनता के दर्शन होते थे और सभी गरीब मजदूर किसान और नौजवानों के काम होकर उनको घर तक संपूर्ण रूप से पहुंचाया जाता था। आप बता दीजिए, जनता दर्शन में एक भी उत्तर प्रदेश की जनता का या एक भी गरीब इंसान को आपने न्याय दिला दिया? आपके पास अगर रिकॉर्ड हो तो बता दीजिए। मैं अभी यही बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी में कितने लोगों को जनता दर्शन में न्याय मिला और कितने लोगों का सम्मान बढ़ा और कितने लोगों को जो है काम मिला, आप बता दें। जवाब दें, एक काम बताए जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ जी का, जो मैं एक्सेप्ट करता हूं, अगर काम बता देंगे जनमन होगा, मेरी नजर में होगा। जी भाई, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, कर लूंगा जवाब लेते। आपने कोई काम ही कहा किया विवेक जी, जवाब, सिर्फ लड़ाने का काम किया और बहकाने का काम किया और बहकाने से सत्ता हासिल की है, इसका जवाब आने वाले समय पर जनता खुद देगी। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी, इन्होंने सबसे पहले जो इशू उठाया, इन्होंने कहा कि एक भी नौकरी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में नहीं मिली। इन्होंने सीधा सीधा झूठ बोला। पुलिस भर्ती निपटी, अध्यापकों की भर्ती निपटी, तमाम हमारी भर्तियां, अरे प्रदेश है आपका, कह दीजिए हमारी भर्तियां थी। ठीक, अब आप बोल लीजिए, अब आप सुन लीजिए। आपके कामों को उत्तर प्रदेश की जनता समझ नहीं पाई, अब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपकी समझ से हिसाब से मूर्ख है, या आप ज़्यादा कुछ तेज स्पीड से चले गए कि आपके काम को लोग देख नहीं पाए। तो अभी अगर आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो मैं यही कह दूंगा, अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। तमाम भर्तियां निपटी, 33 मेडिकल कॉलेज खुले, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का इस बार हमारा संकल्प है। पिछले कार्यकाल में 33 में 17 में प्रवेश हुए, एम्स चालू किया गया, एम्स रुक जाइए और सुन लीजिए, नारी 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 सुरक्षा पे एंटी रोमियो स्क्वाड, फिर ये कैसे जवाब? नारी सुरक्षा पे, आप एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में। नारी सुरक्षा पे मेडिकल कॉलेज आपने खोला, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, जनता आपको सुन रही है। विवेक सरस्वती जी, सिद्धार्थ नगर का मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ नगर का मेडिकल कॉलेज, अरे क्या बात करते हैं, शिलान्यास हमारी, अरे भाई आप सुन, पूरा वो तो आप कहते रहे पब्लिक को कि हम मेरा शिलान्यास कहते कहते आप निपट गए। आपके झूठ पे जनता विश्वास कहाँ कर रही है? आप फिर 5 साल ही करते रहिएगा, हम काम कर रहे हैं, आप चिल्लाते रहिए कि मेरा शिलान्यास, मेरी मेट्रो, मेरी सड़कें, लेकिन आपकी कोई मान रहा है? हम काम ही तो बता रहे हैं, काम हम बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज देखिए, जनता ने आप बात सुन अरे भाई, आपको लेते हैं आप सुनेंगे, जहाँ पे पहले से मेडिकल कॉलेज वहाँ क्यों बनाने जाएगी सरकार? और अच्छा नई जगह बता दीजिए। अब रुक जाइए, सुन लीजिए, आपके इस बार बार जो अखिलेश यादव की रट आप लेके घूम रहे हैं कि मेरा, मेरी नहर, मेरा मेडिकल कॉलेज, मेरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, मेरा, मेरी मेट्रो, आपके कहने से जनता आपके झूठ पे विश्वास करने वाली नहीं है। आपको विपक्ष की भूमिका दिए है, बेहतर हो कि आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। हमें जो काम करने का अवसर दिया जनता ने, हम काम कर रहे हैं। आपने एक एक बिंदु उठाए तो मैं एक एक बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ। आपने नारी सुरक्षा की बात की, उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ववर्ती सरकार आते ही मान हमने एंटी रोमियो स्क्वाड लागू किया था, हालांकि विपक्ष ने बहुत विधवा विलाप किया, संसद में रंजीता रंजन का बयान देख लीजिए, उस पर हमने उसको होल्ड किया। लेकिन जब हम इस चुनाव में गए, हमें महिलाओं से फीडबैक मिला कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड वापस क्यों लिया, उसको लागू करिए। हमने आते ही इस सरकार में नवरात्रि के बीच मिशन शक्ति के तहत फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड लागू किया। नारी सुरक्षा के प्रति ये हमारा संकल्प है, जिसको हमने फिर से लागू किया। इसी तरह से देख, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए जिस घटना का आप उल्लेख, अब अगर मैं पूछूंगा, अभी आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, अगर इस तरह की चर्चा करेंगे, अभी आपने एक महिला दरोगा का उठाया विषय, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जियाउल हक क्या मुसलमान नहीं थे? क्या वो डिप्टी SP नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान के रहने वाले थे जो आपकी शासन सत्ता में, जिनको मार डाला गया कुंडा में? अब आप इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? दीजिए, आप बताइए, देखिए इस तरह की घटना, रुक जाइए जियाउल हक हत्याकांड में कोई समाजवादी पार्टी का लिप्त था? तो ये तो क्या क्या हत्याओं में भाजपा का कोई कार्यकर्ता लिप्त है क्या? नहीं था, कौन लिप्त है इसमें? कुलदीप सिंह सहगल राज, ये हाथरस में कोई, हाथरस में बीजेपी कार्यकर्ता लिप्त है? आप किस तरह, देखिए अड़ल कर बोलना बंद करिए, आपने विषय उठाया है, जवाब दीजिए। बारी बारी बारी, कुलदीप सिंह सहगल क्या भाजपा के दर्शन से निकले विद्यार्थी थे क्या? उन्नाव की बेटी, कुलदीप सिंह सहगल बीजेपी के दर्शन से निकले थे क्या? उन्नाव की बेटी, आपने उनकी पत्नी को भी चुनाव लड़ा दिया, पत्नी को भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा दिया, नहीं लड़ाया, आपको याद होगा, नहीं लड़ाया, आप जाके देख लीजिए।
रिकॉर्ड देख लीजिए, आप पहले रिकॉर्ड को देख लीजिए। आपने बिंदुवार विषय उठाया, बिंदुवार जवाब ले लीजिए। जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, देखिए प्रयागराज की हत्या का विषय उठाया, रंजिशन हत्याएं किसी भी सरकार में नहीं रुक सकती। आवश्यकता होती है उन हत्याओं पर कार्रवाई करने की, मुलजिमों को गिरफ्तार करने की, उनको अदालत की दहलीज पर पहुंचाने की। हमारी सरकार में ईमानदारी से होता है, इसलिए जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। हमारी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे में आजम खान का फोन नहीं जाता। हमारी सरकार में सुन लीजिए, हमारी सरकार में मुजफ्फरनगर के दंगे में आजम खान का फोन नहीं जाता, कार्रवाई होती है। आशीष मिश्रा को सरेंडर करना पड़ा, आशीष मिश्रा जेल गए, एसआईटी जांच में नाम बढ़ाए भी गए एफआईआर से इतर, उसमें ब्लॉक प्रमुख का भी नाम आया। ऐसा अदालत ने आदेश दिया, आशीष मिश्रा ने दोबारा सरेंडर किया, जेल गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जो भी अपराध में लिप्त होगा, जिसकी भी अंश मात्र लिप्तता होगी, वो जेल जाएगा। उसको प्रशासन जेल के सिक्चों तक पहुंचा के मानेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गायत्री प्रजापति जैसे अपराधियों को, बलात्कारियों को समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री जाएगा गायत्री प्रजापति प्रचार कर ले। राजीव भाई वॉल्यूम डाउन करें। एक मिनट, और प्रवक्ता भी हमारे साथ है, प्रीतपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रीतपाल जी जवाब दीजिए, बोले भाई जी। इन सब बातों में भी विवेक जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जी, उन्होंने कहा हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज खड़े किए। उत्तर प्रदेश की दो दुर्दशा आपसे भी छुपी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान में भी, तकरीबन 60,000 से ज्यादा डॉक्टर, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टर नर्सों की कमी है, इनकी भर्ती होनी अनिवार्य है, बार बार इसकी डिमांड हो रही है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 1,25,000 पुलिस कर्मचारी, जिसमें इंस्पेक्टर, सिपाही और अधिकारी रैंक के जो कर्मचारी है, जिनकी भर्तियां होनी है, जो रिक्त चल रही है, उनपे अभी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, विवेक जी को यह बताना चाहिए। आपने हॉस्पिटल खड़े कर दिए, आपने स्कूल बना दिए, आपने अस्पताल बना दिए, उससे क्या लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया? क्या वहाँ डॉक्टर्स और जो नर्सेस है वो वहां पे पर्याप्त मात्रा में हो गई? अभी ब्रजेश पाठक जी बाराबंकी कहीं गए थे एक औचक निरीक्षण करने के लिए, 19 लोगों की वहां पे होनी चाहिए, वहां पे पता चला 7 लोग ही है, वहां पे 12 लोगों की भर्तियां भी रिक्त चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में सर्कुलर पास करके आपने कह दिया किसी भी विभाग में नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी, सेंट्रल से आपके ऊपर दबाव है। कम से कम इस तरह के नंबर लेने से पहले विवेक जी उन अस्पतालों के अंदर नर्सों की भर्ती करिए, उन डॉक्टरों की भर्ती करिए। आपको भी ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं। आपने कहा आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कहा था कि 4.5 लाख नौकरियां मैंने दी है, जबकि 2017 में मैन्युफैक्चरिंग में 70 लाख नौकरियों का वादा देकर आप आए थे। जब ये पता चला आरटीआई लगा गई तो 3.5 लाख जो नौकरियां आपकी थी वो संविदा पे थी। संविदा पे कोई नौकरियां नहीं होती, 11 महीना के बाद फिर उसका शोषण होता है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ फिर से मुझे वो फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से मुझे आवेदन करना पड़ेगा, मुझे ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा उस 11 महीने के बाद। संविदा पे नौकरियां कोई नौकरी नहीं होती, वो अस्थायी नौकरी आपने दी है वो चंद है। आपसे निवेदन है, जनता ने फिर आपको मौका दिया है, आपको फटकार लगा के आपको फिर मौका दिया है कि कम से कम अब अस्पतालों में वो भी अवस्था ना हो कि डॉक्टर नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये सब चीजों को खत्म कीजिए, जो सरकारी स्कूल है उनकी भी, जो दिल्ली के महमूद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कंप्लीट करूं गौरव जी, पंजाब की सरकार ने उसमें परिवर्तन किया, उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार भी दिल्ली से कुछ सीख ले। दिल्ली की सरकार ले रहा हूं, अरे भाई आपको ले रहा हूं, दूसरे से सीखकर बात करिए प्रीतपाल जी की। आरफ जी बहुत देर साथ बैठे हैं, नाराजगी तो होगी इनकी भाई, इन्होंने प्रदर्शन किया और मीडिया ने उसको दिखाया नहीं,
अब प्रदर्शन कहाँ किया जानकारी नहीं है, 100 दिन का वेट करने को कहा है ने। अरे भाई बताइए क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं आपके माध्यम से अपने बड़े विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विवेक जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ और बड़े अदब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये मुझे बता दें कि सरकार 4 राज्यों में इनकी बन गई, बहुत अच्छा, मैंने बधाई दिया, मैं इनको भी बधाई दे रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो उछाल डीजल और पेट्रोल के अलावा जो आ रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा जो आ रहा है, ये नींबू का भी दाम बढ़ा जा रहा है, अरहर की दाल का भी दाम बढ़ा जा रहा है, सरसों के तेल का भी दाम बढ़ा जा रहा है, ये 100 दिन के अंदर क्या ये कम करेंगे या नहीं करेंगे? जनता को ये कुछ राहत देंगे या नहीं देंगे? गरीब जनता को इनसे पूछ लीजिएगा, हमारा सवाल बस इतना है। विवेक जी जवाब दीजिए भाई। आरिफ जी, हमारी सरकार आने से पहले पूर्ववर्ती सरकारों में केवल 2 फसलों की MSP घोषित की जाती थी, गेहूं की, धान की और तीसरी गन्ने की। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा तीन के अलावा चौथी किसी फसल की MSP घोषित नहीं होती थी। केंद्र सरकार जब हमारी आई तो हमने दलहन, विवेक जी मैंने आपसे फसल के बारे में नहीं पूछा, गन्ना किसान का दाम अभी भी बाकी हुआ है, गन्ना किसानों का भुगतान आपकी बात के उत्तर पे आ रहा हूँ आरिफ जी, थोड़ा सब दैव से सुन तो लीजिए, आप बता दें समय कम है, ये 100 दिन के अंदर क्या इन महंगाइयों में इनका भाई पेट्रोल और डीजल का तो आप अभी लोकसभा का चुनाव आएगा तो आप कम कर देंगे। एक मिनट, आपने प्रश्न उठाया है आरिफ जी, अगर उसका जवाब देने की इच्छा हो तो सुन लीजिए। दलहन की जब MSP घोषित होगी, तिलहन की जब MSP घोषित होगी तो उसके इससे दलहन और तिलहन के दाम से दाल और तेल के दाम तो प्रभावित होंगे होंगे, और रही बात पेट्रोलियम पदार्थों की, तो पेट्रोलियम पदार्थों पे तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो गैर भाजपाई सरकार है वो क्यों नहीं अपना बैठ कम करती है स्टेट की, अपने जनता को राहत देने के लिए क्यों नहीं कम करती है? सबसे महंगा तेल राजस्थान में है, बिल्कुल कम है, अन्य प्रदेशों से कम है डीजल पेट्रोल का दाम उत्तर प्रदेश में। बारी बारी से अन्य प्रदेशों अगर कम भी गौरव जी प्रश्न क्या है? यही जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उस पर सरकार कब लगाम लगाएगी? देखिए उस पर प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोला कि आप जो सरकारें हैं अपना राज्य का बैठ कम करके अपनी जनता को आप उसका लाभ दे सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार जो गैर भाजपा शासित राज्य है वो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे आवाज किसी की बात समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल का दाम बारी बारी बोलिए, आवाज समझ में नहीं आएगी कौन क्या बोल रहा है। आज क्यों बढ़ गया? आज भी उत्तर प्रदेश में तो महंगाई चल बिक रहा है कि जनता त्रस्त हो चुकी। बारी बारी से बोलिए, आवाज समझ में आएगी कौन क्या बोल रहा है। चुनाव के समय आप 2 रुपए कम कर रहे हैं और फिर उसके बाद चुनाव के बाद आज तक के सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। राजीव भाई पुष्पल भाई आपको मौका देते हैं, पुष्पल भाई आपको मौका देते हैं। राजीव भाई बारी बारी से बोलिए, समझ में आना चाहिए क्या चर्चा है, कौन क्या बोल रहा है। पुष्पल जी बोलिए। सबसे ज्यादा टैक्स अगर अर्जित पेट्रोल और डीजल के ऊपर करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जी। बैंक के रूप में जो राज्यों में पैसा आता है वो 13 से 14 रुपए आता है, बाकी सेस के रूप में जाता है। आपको बता दो 14.50 रुपए इस समय सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, वो सड़क निर्माण के लिए ऊपर ले रही है, उसके बाद भी टोल टैक्स हमारे खड़े हैं। तो जब आप 13 से 14 रुपए प्रति लीटर के ऊपर एक देश के नागरिक से ले रहे हैं सड़क बनाने के नाम पर, फिर आप टोल क्यों चला रहे हैं? 2.5 रुपए आप ले रहे हैं किसान को MSP देने के लिए, किसान को क्या MSP मिल पा रही है? अभी विवेक जी कह रहे थे कि दो चीजों पे MSP हुआ करती थी, तो मैं इनको बता दूं 23 प्रकार के MSP का प्रावधान पहले भी था, क्यों नहीं वो लागू कर दे रहे हैं उसके ऊपर? ध्यान से विषय को सुन लिया करिए, दलहन तिलहन और गन्ना छोड़ के किसी और फसल की MSP उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती थी,
जान लीजिए अपनी जानकारी ठीक कर लीजिए। समय कम है, बारी बारी से बोलिए। बीजेपी की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, मैंडेट के आधार पर बीजेपी की सरकार अपनी भूल कर रही है। रजी भाई हमारा संकल्प है, समय कम है। चलिए आप यही गाना गाते गाते फिर वही रहेंगे जहाँ रहेंगे। पर मेरी समझ में यहाँ पर ये नहीं आता है कि विपक्ष जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाने का क्यों पक्ष नहीं रखता है, क्यों समर्थन नहीं करता है, क्यों आंदोलन नहीं करता है। अब तक लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी गौरव जी हमेशा से आवाज उठाई महंगाई के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। पर मेरा कहना वही है, सरकार अगर मेरा मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए राजेशन, मेरी सुन लीजिए। मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है, सिंपल सी बात है कि अगर विपक्ष लगातार काम कर रहा है, तो विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर, विपक्ष पेट्रोल डीजल के रेट पर, विपक्ष नींबू पर, विपक्ष दलहन पर आंदोलन क्यों नहीं करता है। केवल धरना प्रदर्शन करने से, ज्ञापन देने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। सरकार चुनाव होने के बाद जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं उस पर काम करना पड़ेगा। अरे भाई गौरव जी, आंदोलन का मानक बता दीजिए, आप क्या है आप बता दीजिए मुझे, आंदोलन का मानक बता दीजिए। मैं एक हफ्ते के अंदर, अरे भाई मुझे जानकारी है, पर मेरा कहना यह है कि विपक्ष पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए क्यों आंदोलन नहीं करता है। अभी 144 लागू है, आंदोलन करना चाहिए। अगर आप जनता को महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं तो आपको डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, जी जी भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वैट कब कम करेंगे अपने राज्यों की सरकार में, तब ये जनता को पेट्रोल डीजल पर राहत देंगे वैट कम करके। हम तो कर रहे हैं संघर्ष, हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, अरे भाई मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो तो हम निभा रहे हैं, हर चीज दिखाते हैं। और जनता का जो क्रोध है, जनता की जो नाराजगी है, जनता की जो निराशा है वो भी दिखाते हैं। पर यहाँ पर विपक्ष की भूमिका को आपको निभाना होगा। मीडिया विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती है। आपने को जनता ने जनाधार दिया है, उसके हिसाब से आपको जनता के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। मगर मीडिया को भी चाहिए, अगर विपक्ष ईमानदारी से विपक्ष का काम कर रही है तो मीडिया, तो आप तो 100 दिन का समय दे रहे हैं, करना चाहिए। सभी चैनल जनता से चलते हैं, अरे भाई पर आप तो, आप पर आप तो 100 दिन का समय दे चुके हैं। चलिए एक मिनट, अरे भाई आप तो 100 दिन का समय दे रहे हैं ना सरकार को, 100 दिन का समय दिया आपने। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनकी मांग को, बात को हम मानेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता पक्ष आंदोलन कर रहा है, सत्ता पक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है, तो ईमानदारी से सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़े होकर के सत्ता पक्ष से आपको काम करना चाहिए। चलिए समय पूरा हो गया। आखिरी कमेंट विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे। देखिए गौरव जी, बार बार ये धारा 144 का हवाला दे रहे हैं। हमेशा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव होते, कहीं ना कहीं त्यौहार होते हैं, धार्मिक उन्माद और तमाम अन्य कारणों से 144 लगाई जाती है। बहुत हमारी शुभकामनाएं इनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, 144 का बहाना बनाते रहें, घर बैठे रहें, भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, चिंता ना करें। चलिए, अरे भाई कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी कमेंट। बस हमारा तो कहना यही है कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि जहाँ जहाँ प्रदेश 100 दिन का समय दिया है ना, पर सरकार को 100 दिन के बाद संघर्ष करेंगे। सरकार के खिलाफ हम खड़े हुए हैं ईमानदारी से, हर मुद्दे पर आवाज उठाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मगर सत्ता पक्ष पर भी एक सवाल है कि ये बताए कि जनता के पक्ष में आप सब महंगाई कम करेंगे। चलिए ठीक है, वो महंगाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा कर लेते हैं। अरे भाई फिर आपको बुलाते हैं, महंगाई मुद्दे पे भी कर किया जाएगा। राजेशन फाइनल कमेंट मारिए, फाइनल कमेंट कीजिए। आपने अभी कहा
कि आप बस 30 सेकंड धारा 144 का बहाना बनाते रहिए। समाजवादी पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरी निष्ठा ईमानदारी से मैदान में है और कोई चाहे जितनी आप धारा 144 लगा दे जनता के हित के लिए चाहे धारा 144 हो और चाहे 284 चलिए चलिए हम लोग जनता के पिटपाल जी आखिरी 20 सेकंड जनता के लिए पिटपाल जी आखिरी 20 सेकंड गौरव जी मैं कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गुप्त संधि कर ली है वो 100 दिन क्या अगले 5 साल तक नहीं बोलेंगे आम आदमी पार्टी आपको जमीन पे उतर के जनता की आवाज बनते हुए दिखेगी चलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए इसके लिए जल्द ही हम आपको देखेंगे ठीक है तो आज की चर्चा का विषय जो रहा वो रहा कि सरकार लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में सक्रियता से आगे बढ़ रही है तो विपक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा निष्क्रिय नजर आया है और हालांकि विपक्ष की भूमिका में अभी रालोट के जो प्रवक्ता थे आरिफ महमूद उन्होंने कहा था कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं ज्ञापन दे रहे हैं पर ये ज्ञापन देना और संघर्ष करना ये अभी अभी सक्रियता के हिसाब से कम है क्योंकि आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका मिली है और जनता अगर त्रस्त हो रही है महंगाई से तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी है और ये आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि आपको जनता के लिए सड़क को उतरना होगा आप केवल मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपनी निष्क्रियता को नहीं छिपा सकते हैं आपको अगर जनता ने जनाधार दिया है आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है तो उसको आपको निभाने आना पड़ेगा केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट के माध्यम से अब राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में अन्य पार्टियां यानी विपक्ष कोई करिश्मा करे और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे तो आपको जनता के लिए उतरना होगा केवल केवल बोलने से ज्ञापन देने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है क्योंकि जनता जनार्दन है सब जानती है और जनता का जनाधार उसी को मिलता है जो जनता के लिए लाठी खाता है जनता के लिए जेल जाता है और जनता के लिए संघर्ष करता है तो आज की चर्चा में इतना ही नमस्कार कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार